जैसे ही आपने कोऑर्डिनेट चूज कर लिया है ना बाय काइनेमेटिक मेथड, ठीक है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी से आपने अगर कोऑर्डिनेट लोकेट कर लिए, तो अब सेकंड वो क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में हम पी एल फाइंड आउट करें, यानी लोड की वजह से वहां पर कितना फोर्स या मूवमेंट आ रहा है। तो अगर मेरा रोटेशन कोऑर्डिनेट है तो मैं क्या करूंगा, इस फोर्स की वजह से यहाँ कितना मूवमेंट आए, फोर्स क्या कहलाएगा, मूवमेंट कहलाएगा, बिकॉज आवर कोऑर्डिनेट इज रोटेशन, है ना, क्योंकि हमारे पास स्लोप नहीं है। तो रोटेशन कोऑर्डिनेट है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको केवल ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर मूवमेंट कितना होगा, एंड मूवमेंट कितना होगा काफी इजी है, दैट इज अवर फिक्स्ड मूवमेंट, है ना। फिक्स्ड मूवमेंट कितना होता है, अगर ये फिक्स बीम है, जब आपने फिक्स बीम में कन्वर्ट कर लिया, तो 120 की वजह से यहाँ कितना फिक्स्ड मूवमेंट आएगा, हम सबको पता है डब्ल्यू एल बाई 8, और यूडीएल की वजह से कितना आएगा, सो वो भी हमें पता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, नहीं पता तो नोट कर लेना, ठीक है। पॉइंट लोड की वजह से डब्ल्यू एल बाई 8 होता है, एंड यूडीएल की वजह से डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 होता है ना। साइन क्या होंगे, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होता है, यहाँ क्लॉकवाइज होता है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज, ये अगर भूल गए तो बता देना ना। सो फिक्स्ड मूवमेंट जितना आएगा उतना ही बी सपोर्ट पर मेरा लोड की वजह से मूवमेंट होगा, यानी पी एल मैट्रिक्स। अगर मैं पी एल मैट्रिक्स की बात करूँ तो पी एल मैट्रिक्स क्या होगी, पी एल वन पी एल टू, यानी अगर दो कोऑर्डिनेट है, अभी एक ही है बट एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, अभी हम मेथड समझ रहे हैं ना, प्रॉब्लम नहीं कर रहे। मेथड में क्या है, पी एल मैट्रिक्स आपको ड्रॉ करनी, पी एल मैट्रिक्स क्या होगी, जो लोड की वजह से फिक्स्ड मूवमेंट जनरेट होंगे, दैट इज अवर पी एल मैट्रिक्स। अगर हमारा वर्टिकल कोऑर्डिनेट हमने चूज किया है, जनरली बीम के केस में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ना, बट फिर भी अगर वर्टिकल कोऑर्डिनेट है हमारे पास, तो हम यहाँ पर फिर फोर्सेस यानी रिएक्शन की बात करें, अभी मूवमेंट की बात करें, फिर हम रिएक्शन की बात करें, यानी 120 की वजह से कितना आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा, काफ़ी इजी। 20 की वजह से कितना आएगा, 20 × 6, हाफ इधर चला जाएगा, हाफ इधर चला, तो इस वे में हमें फाइंडिंग है, ओके। सो पी एल मैट्रिक्स हमारी क्लियर है। पी मैट्रिक्स क्या है कि यार ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे कोई भी अगर स्टार्टिंग में कोई मूवमेंट है इन पॉइंट्स पे, तो वो हमारा पी मैट्रिक्स हो जाएगी। फर्स्ट पे कितना है, फर्स्ट पे लेट्स अस्सुम मैंने यहाँ पर 120 किलो न्यूटन मीटर मूवमेंट लगा दी, तो आप वो पी मैट्रिक्स होगी। सेकंड पे जितना है सेकंड की वैल्यू जितने, पी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है, पी एक्स वन सॉरी पी वन पी टू, ठीक है, पी एल वन पी एल टू, वर्टिकल मैट्रिक्स। के मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जितने भी अगर कोऑर्डिनेट्स हैं, दो अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 by 2 की होगी, 3 है 3 by 3 की होगी, जैसे हमने फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की, 4 अगर कोऑर्डिनेट्स हैं तो 4 by 4 की होगी, जनरली 3 up to 3 आपके सिलेबस का पार्ट होता है, ठीक है, उतना वो पूछ लेते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है सर, एक बार पीएल मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करनी है बताना। पी एल मैट्रिक्स है लोड की वजह से जो फोर्सेस आ रहे हैं, फोर्सेस कहाँ आ रहे हैं, फोर्सेस ओनली कोऑर्डिनेट्स की बात कर, ओनली कोऑर्डिनेट्स, लाइक अगर इस अगर हम एक प्रॉब्लम है जहाँ पर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, दोनों रोटेशनल कोऑर्डिनेट्स है अगर हमारे पास, तो रोटेशनल कोऑर्डिनेट्स पे कितना मूवमेंट आए, रोटेशनल कोऑर्डिनेट का मतलब मूवमेंट की बात कर रहे हैं, फोर्स की मतलब, है ना, और अगर वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो वर्टिकल रिएक्शंस की बात कर, तो यहाँ पर कितना मूवमेंट आएगा ये चेक करना है। 120 की वजह से कितना आएगा, देखो ये फिक्स में कन्वर्ट कर लिया, 120 की वजह से कितना आएगा, फिक्स्ड मूवमेंट कितना होता है, डब्ल्यू एल बाय 8, पॉइंट लोड जब सेंटर पे है तो डब्ल्यू एल बाय 8 होता है, ठीक है, तो डब्ल्यू एल बाय 8 यहाँ मूवमेंट आ जाएगा, और यूडीएल है तो उसकी वजह से भी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 आएगा, दोनों का सम कर लेंगे विद साइन, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर कितना मूवमेंट आ रहा है ड्यू टू लोड, समझो यहाँ कितना आएगा, तो इसका आ जाएगा डब्ल्यू एल बाय 8, यहाँ आएगा, डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो आपको वो भी लेके जाना। कोऑर्डिनेट एक बार आपने फिक्स कर दिया, उनका साइन अगर आपने फिक्स कर दिया, तो उसके रेस्पेक्ट में ही देखना, लाइक इसका साइन मैंने अगर एंटी क्लॉकवाइज फिक्स कर दिया, यहाँ पर मैं देखूंगा कि ये मेरे पास अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो नेगेटिव लूंगा, इसके रेस्पेक्ट में आपको साइन लेके जाना, साइन फिक्स्ड है, आप यहाँ क्लॉकवाइज ही चूज करो, ठीक है, तो सारे एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लूंगा, और अगर यहाँ मैंने ये रोटेशन का साइन क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, तो सारे जो भी साइन होंगे उन एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना, ठीक है, तो आपको क्या है केवल फिक्स्ड मूवमेंट फाइंड आउट करना है, फिक्स्ड मूवमेंट के डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो हमें यूज करना है, डब्ल्यू एल बाय 8, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ठीक है, ये तीन ही ज्यादा जनरली यूज होते हैं, तो ये आपको फाइंडिंग। तो इस इक्वेशन की बात करूँ, डेल्टा इज इक्वल टू के इनवर्स, ए मैट्रिक्स हमने बनाना सीखा है, पी मैट्रिक्स हमने बनाना सीखा है, पी एल मैट्रिक्स,
ये जैसे हम फाइंड आउट कर लेंगे तो मुझे डेल्टा मिल जाएगा, एंड जैसे ही डेल्टा मिल जाएगा तो मुझे होगिंग मूवमेंट या फाइनल एंड मूवमेंट्स मिल जाएंगे। एंड मूवमेंट्स आपके पास आ जाएंगे, तो जैसे हम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में हम करते थे एंड मूवमेंट्स आगे, तो उसके लिए डायग्राम ड्रॉ करते थे। जैसे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे यूडीएल की वजह से अपना डायग्राम यानी सेगिंग मूवमेंट डायग्राम साथ में ड्रॉ करेंगे, हमारा हमारी प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एक प्रॉब्लम हम करके देखते हैं ना, काफी इजी है। ठीक है, एक बार एक दो प्रॉब्लम करोगे ट्राई तो तुम्हें खुद ये मेथड काफी इजी लगेगा। ठीक है, एक दो प्रॉब्लम हम करके देखते हैं, लाइक ये प्रॉब्लम है हमारे पास। ठीक है, एनालाइज द कंटीन्यूअस बीम बाय स्टिफनेस मेथड एंड स्केच द बीएमडी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। आपको स्केच करना है, जनरली ये पूछा जाता है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। ओके, तो अब अगर इसकी बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लें हमारे अननोन कौन से या हमारे कोऑर्डिनेट्स कौन से लोकेट करेंगे। तो काइनेमेटिकली जब स्टिफनेस मेथड है तो काइनेमेटिकली इंडिटर्मिनेसी चेक कर लो कितनी है, टू है। कौन कौन सी इंडिटर्मिनेसी है, थीटा बी एंड थीटा सी दो अननोन है मेरे। ये तो आप लोगों को आई थिंक कैलकुलेट करना आता है ना, जितने अननोन है ना डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स काइनेमेटिकली इंडिटर्मिनेसी। तो टू है थीटा बी थीटा सी, वो दोनों हटाएंगे तो उनकी जगह क्या करेंगे हम, कोऑर्डिनेट लोकेट कर देंगे। एक कोऑर्डिनेट हो गया मेरे पास थीटा बी, एक कोऑर्डिनेट हो गया मेरे पास थीटा सी। मैं एक काम करता हूँ, इनको क्लॉकवाइज ले लेता हूँ ताकि आप लोग एक ही फॉर्मेट फॉलो कर लो। ये हो गया मेरे पास थीटा बी और ये हो गया मेरे पास थीटा सी। आपको जो भी लेना है ना साइन, आप अपने से चूज कर सकते हो, बट वो ही पॉजिटिव साइन होगा हमेशा। आपने एक बार एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पर अगर जो भी कोऑर्डिनेट चूज किए तो वो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जिस पॉइंट पे जिस आप लोगों को कोई भी डाउट लगे वहीं रोक देना, क्लियर करना, तभी आगे बढ़ना। ठीक है, तो यहाँ हमने काइनेमेटिकली इंडिटर्मिनेसी फाइंड आउट करी इस बीम के लिए, दो आई थीटा बी थीटा सी, उनकी जगह हमने कोऑर्डिनेट लोकेट कर दिया। थीटा है इसलिए रोटेशनल कोऑर्डिनेट्स है हमारे, इनको नंबर दे दिया मैंने, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ये सेकेंड कोऑर्डिनेट, जैसे हम फ्लेक्सिबिलिटी मेथड कर रहे हैं। तो ये दो कोऑर्डिनेट लोकेट है। नाउ अब क्या है, हमें फाइंड आउट करना है कि यार यहाँ पर अगर मुझे थीटा बी और थीटा सी मिल जाए तो फिर मैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से फाइनल रिजल्ट, फाइनल मूवमेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ, यानी डेल्टा फाइंड आउट। और डेल्टा के लिए हमने इक्वेशन देखे, डेल्टा इज इक्वल टू के इनवर्स पी माइनस पी एल। पी एल क्या होगा, तो पी एल हम फाइंड आउट कर रहे हैं पी वन एल। देखो पी एल मैट्रिक्स बनाना है तो पी वन एल पी टू एल फाइंड आउट करो। पी वन एल क्या होगा, वन एल यानी यहाँ पर ड्यू टू लोड कितना फोर्स आएगा, कितना मूवमेंट आएगा, तो उसे मैं बोल सकता हूँ पी वन एल दैट इज इक्वल टू फिक्सेंड मूवमेंट ऑफ बी ए प्लस फिक्सेंड मूवमेंट ऑफ बी सी दोनों का। ठीक है, तो बी ए की वजह से कितना आएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व एंड डायरेक्शन इज क्लॉक वाइज, और क्लॉक वाइज कोऑर्डिनेट है तो क्लॉक वाइज आप पॉजिटिव ले, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व प्लस 100 की वजह से कितना आएगा। ठीक है, इस लोड की वजह से कितना आएगा, डब्ल्यू एल बाय एट बट इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। साइन क्या होगा इसका, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो माइनस डब्ल्यू एल बाय एट। वैल्यूज पुट कर दो, 60 इंटू फोर स्क्वायर बाय ट्वेल्व, 60 इंटू फोर स्क्वायर बाय ट्वेल्व माइनस 100 इंटू थ्री बाय एट। ठीक है, 100 इंटू एल बाय एट, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास पी वन एल की वैल्यू जाएगी 42.5 किलो न्यूटन मीटर। देख लो यहाँ तक, इसमें किसी को डाउट लग रहा है इस पॉइंट तक जो सर, हाँ बेटा सर, इस पे ये नेगेटिव साइन कैसे पता लगा मूवमेंट एट फिक्स एंड बीसी पे, यहाँ पर नेगेटिव। देखो बेटा, जब भी हम फिक्स एंड मूवमेंट कैलकुलेट करते थे, फिर रिमेम्बर ये क्या होता है, फिक्स एंड मूवमेंट क्यों आता है बीम पर, तो जनरली अगर ये फिक्स नहीं होता तो जनरली इसका डिफ्लेक्टेड शेप ये होता है, बट फिक्स होते ही क्या हो जाता है, यहाँ जो स्लोप आ रहा है ये वो जीरो होता है। तो ये जो मूवमेंट आता है एक्स्ट्रा मूवमेंट जो इस एंड की वजह से आता है, फिक्स सपोर्ट्स की वजह से आता है फिक्स एंड मूवमेंट, वो करता क्या है, वो इस स्लोप को जीरो करता है। तो स्लोप जीरो करने के लिए किस डायरेक्शन में मूवमेंट देना है, इसको ऊपर ही उठाना पड़ेगा, समझ रहे हो। जब ऊपर उठाना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा।
इसको भी ऊपर उठाना पड़ेगा, तो इसको ऊपर उठाओगे तो क्या होगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन इस वे में आपको जज करना है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ पी ए क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। सिमिलर वे में यहाँ पर अगर मैं डिफ्लेक्टेड शेप बनाऊँ तो डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ये हो, और ये स्लोप जीरो करेगा फिक्स एंड में, स्लोप जब जीरो करेगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है और क्लॉकवाइज मेरा कोऑर्डिनेट, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेके चल रहा और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चल रहा। इज इट क्लियर? और अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे ड्यू टू लोड कितना आपका फोर्स आ रहा है, तो दैट इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ एफ फिक्स एंड मूवमेंट ऑफ सी बी, इसके इक्वल होगा जो लोड की वजह से है। एंड फिक्स्ड मूवमेंट कितना होगा, डब्ल्यू एल बाई ए टी होगा, सेंटर पे लोड है, बट ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो डब्ल्यू की वैल्यू रख दी, एल की रख दी बाई एट, तो दैट इज इक्वल टू 37.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। सो पी वन एल पी टू एल काफी ईजी है एज कम्पेयर टू हमारी स्टिफनेस सॉरी फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। फ्लेक्सिबिलिटी मेथड तो कंजुगेट बीम में कन्वर्ट करते आप सब, तब जाके ये डेल्टा वन एल एंड डेल्टा टू एल फाइंड आउट कर देते, वहाँ डेल्टा की टर्म्स में चलता है या फोर्स की टर्म्स में। बट यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद है, बस साइन का थोड़ा ध्यान रखना है और प्लस कर देना, दैट्स इट। बट ये तुम्हें समझ में आ रहा है, समझना क्या है ये नहीं समझना आपको, समझना ये है दैट पी वन एल इज इक्वल टू दिस, पी टू एल इज इक्वल टू दिस, क्या ये समझ में आ रहा है, ये है इम्पोर्टेंट। ये तो आपको पता है फिक्स एंड मूवमेंट के तो कुछ दो तीन फॉर्मूले वो सबको याद होंगे, नहीं होंगे तो एक बार दो एक दो बार करोगे याद हो जाए। ये है मैं कि वन पर जो टोटल, क्योंकि रोटेशन हमारा कोऑर्डिनेट था, तो रोटेशन मतलब मूवमेंट की बात, तो मूवमेंट का सम करेगा। तो मूवमेंट कौन कौन से पॉसिबल थे, एक तो फिक्स एंड मूवमेंट इस साइड से आएगा और एक फिक्स एंड मूवमेंट इस साइड, दोनों का सम करेगा, ठीक है। सो पी वन एल पी टू एल हमने कैलकुलेट कर लिया, व्हाट अबाउट ये दोनों वैल्यूज पुट कर दिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो फिर हम के मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मैं ड्राइंग हटा रहा हूँ, के मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। के मैट्रिक्स क्या हो गए, एल मैट्रिक्स, पी एल बना लिया आपने, के मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। के मैट्रिक्स यानी दो कोऑर्डिनेट से वन एंड टू, ठीक है। वन कोऑर्डिनेट ये है, टू ये। के वन वन क्या होगा, यूनिट रोटेशन याद दूंगा, देखो मैं ये नोट कर देता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड दिस इज माई सेकेंड कोऑर्डिनेट। अब क्या है, आपको फर्स्ट पर यूनिट रोटेशन देना है बिकॉज रोटेशन कोऑर्डिनेट आपके पास है, और दोनों पर फोर्स फाइंड आउट, समझिए फर्स्ट पर यूनिट रोटेशन देना है और दोनों पर फोर्स फाइंड आउट, एंड फिर सेकेंड पर यूनिट रोटेशन देना है और दोनों पर फोर्स फाइंड आउट। तो हम फर्स्ट पर यूनिट रोटेशन दे दें, यूनिट रोटेशन दूंगा, यहाँ पर एक फोर्स आ जाएगा, कितना आएगा, फोर ई आई बाय एल, फोर ई आई बाई एल जो हमने स्टडी किया था, फोर ई आई बाई एल। देखो इस जॉइंट को जब मैं रोटेट करूंगा तो ये बीम भी रोटेट होगी और ये बीम भी रोटेट, यानी इस जॉइंट से कनेक्टेड सारी बीम्स रोटेट हो। जैसे ही मैं रोटेट कर रहा हूँ तो रोटेशन के लिए, यूनिट रोटेशन के लिए मुझे पता है कि यार मुझे फोर ई आई बाई एल आपको मूवमेंट अप्लाई करना है, एंड एल क्या, ये लेंथ भी रोटेट हो रही है और ये लेंथ भी, तो दोनों के लिए, दोनों बीम के लिए, तो फोर ई आई बाई 4 प्लस 4 ई आई बाई 3, ठीक है। दोनों बीम को रोटेट करें तो K11 क्या हो जाएगा, 4 ई आई बाई 4 प्लस 4 ई आई बाई 3, दोनों को सम करो तो दैट इज इक्वल टू 2.33 ई आई, ठीक है। थीटा की वैल्यूज 1 उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि यूनिट ही रोटेशन देना है, ये उस फॉर्मूले से लेके आ रहा है आपको डायरेक्टली। मैंने ये कल बताया था कि 4 ई आई बाई एल जिस जॉइंट को रोटेट करते हैं उसी पर कितना मूवमेंट लगाना पड़ेगा, तो दैट इज 4 ई आई बाई 4 ई आई बाई एल इस बीम को रोटेट करने के लिए, 4 ई आई बाई एल इस बीम को, फिर जब जॉइंट रोटेट होगा तो दोनों बीम रोटेट, ठीक। सो टोटल आ जाएगा मेरे पास 2.33 ई आई। के 21 यानी 1 को रोटेट कर रहा हूँ, 2 पर फोर्स चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 पर कितना फोर्स आएगा, दैट इज 2 ई आई बाई एल, और एल कौन सा, तो इन दोनों नोड्स को कनेक्ट करता है, ये वाला एल नहीं, ये वाला एल, 1 2 1, तो 2 और 1 को जो कनेक्ट कर रहा है इस बीम, तो ये रोटेशन क्या करेगा, ये जो स्लोप आ रहा था उसे जीरो कर देगा, ठीक है। ये रोटेशन क्या करेगा, स्लोप को जीरो कर देगा, ठीक है। तो
तो इसका जब डायग्राम बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर देखिए, इसका जब डायग्राम बनाओगे आप तो यहाँ स्लोप जीरो ही शो कर, यहाँ पर भी स्लोप जीरो ही शो कर, फिक्स्ड है, यहाँ पर कोई स्लोप नहीं होगा, बट स्लोप के लिए जो कोऑर्डिनेट पे मूवमेंट आएगा दैट इज के टू, टू ई आई फाइव एल पॉइंट सिक्स सेवन ई आई, तो ये हो गया के वन वन के टू वन, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि यूनिट लोड अगर मैं सेकंड पे अप्लाई करूँ तो कितना होगा, तो जब सेकंड पर यूनिट लोड यानी यूनिट रोटेशन अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, फोर ई आई बाय एल इसके लिए आ जाएगा, ठीक है, के टू टू फोर ई आई बाय एल, फोर ई आई बाय थ्री वन पॉइंट थ्री थ्री ई आई, के वन टू क्या हो जाएगा, वन टू यानी सेकेंड पर हम रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं, वन पर हम चेक कर रहे हैं कि यार फोर्स कितना होगा, सो दैट इज टू ई आई बाय टू ई आई बाय थ्री पॉइंट सिक्स सेवन ई आई, सो दैट इज के वन टू। अब सर इसने ए बी वाली लेंथ क्यों नहीं ली, क्योंकि केवल इस पे ही इफेक्ट हो रहा है, जैसे हम ये रोटेट करते हैं तो यहाँ इस बीम पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए हमने ये वाली कंसिडर नहीं, बट यहाँ पर क्या था, यहाँ जब रोटेट कर रहे थे इस जॉइंट को तो दोनों बीम पर इफेक्ट हो रहा है, समझ रहे हो, तो सी जॉइंट को रोटेट कर रहे हैं तो उसका केवल इसी बीम पर इफेक्ट हो रहा है, इस बीम पर कोई इफेक्ट नहीं। इसमें भी अगर जब डायग्राम आप ड्रॉ करो तो यहाँ जीरो ही शो कर, ठीक है, यहाँ स्लोप जीरो ही शो कर, देख लो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ, देख लो ये दोनों के मैट्रिक्स, ये कंप्लीट के मैट्रिक्स, सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बेटा सर, नेक्स्ट सर, वो सर हम डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो हमारा बी पे हो रहा है, ठीक है, तो फिर हमने उसका इफेक्ट सी पे क्यों चेक किया, सी पे ही क्यों चेक किया, ए पे क्यों नहीं चेक कर रहे उसका इफेक्ट, मतलब वो भी तो सकता है कि रोटेशन, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट वो तो ऑलरेडी मूवमेंट है, यानी ऑलरेडी फिक्स्ड है, वहां हमने कोई कोऑर्डिनेट असाइन नहीं किया, हमने कोऑर्डिनेट कहां असाइन किए थे, बी एंड सी पर, समझो, तो हम उन्हीं कोऑर्डिनेट की स्टडी कर रहे, बाकी भी जैसे बोलने में तो ये भी इसमें ये तो ऑलरेडी फिक्स था, यहाँ तो ऑलरेडी मूवमेंट भी है, रिएक्शन भी है, यहाँ पर भी रिएक्शन है, उन्हीं केवल जो एक्स्ट्रा हमने साइन की उनकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्स्ट्रा आपने साइन नहीं करना है, देखो हमें ये सारे डिस्प्लेसमेंट पता है ना, यहाँ मूवमेंट फोर्स रिएक्शन सब है, केवल हमारे लिए अननोन कौन से हैं, अननोन थे हमारे पास ये जो रोटेशन है, ठीक है, ये जो रोटेशन था और सी पर जो रोटेशन था, ये दो अननोन, ठीक है, ये रोटेशन एंड ये रोटेशन, ये दो अननोन है, समझ रहे, बी थीटा बी एंड थीटा सी दो अननोन थे, केवल हम उन्हीं नोड्स की स्टडी कर रहे हैं, उन नोड्स पे क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो फोर्सेस जो लगा रहे हैं ड्यू टू लोड वो भी उन्हीं नोड पे, ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे जो लोड आ रहा है वो भी उन्हीं नोड की स्टडी करें, टोटल थ्रू आउट द हर पॉइंट की स्टडी नहीं कर रहे, केवल उन्हीं नोड्स की स्टडी करें जहाँ पर लोड आएगा, जहाँ पर एक्स्ट्रा आपको फिक्स करना पड़ रहा है, जहाँ पर आपने जिसे जहाँ पर मूवमेंट असाइन किया है, ठीक है, तो उन्हीं नोट्स की स्टडी कर रहे, बाकी नोट्स की नहीं कर रहे हम स्टडी, पूरा कंप्लीट तो ये इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है बेटा, पूरा कंप्लीट तो हम एक बार में सोल्व नहीं कर सकते, तो हमने क्या करा, इसको काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट में कन्वर्ट किया है, इन काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि यार यहाँ पर अगर यूनिट रोटेशन दो तो जनरली कितना मूवमेंट होगा, ठीक है, पहले एक बार ये चेक कर लिया, फिर हम देखते हैं कि यार यहाँ पर अगर यूनिट रोटेशन दो तो कितना मूवमेंट होगा, और इन दोनों का सम कर देंगे हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे जो मूवमेंट है, समझ रहे, जैसे हमने वहाँ डिस्प्लेसमेंट को सम किया था वैसे वहाँ फोर्सेस को सम करें, ठीक है सर, फ्लेक्सिबिलिटी में हमने डिस्प्लेसमेंट लिए थे कि यार यूनिट लोड फर्स्ट रिडंडेंट पे लगाया तो क्या आ रहा है, फिर सेकंड पे लगाया तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, तो उन दोनों डिस्प्लेसमेंट का सम ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होगा और टोटल जीरो हो जाएगा, तो वहां से हमने इक्वेशन डिराइव की, वैसे ही यहां कर रहे हैं, यहां फोर्सेस की टर्म्स में बातें कर रहे हैं, ओके, अब ये के मैट्रिक्स क्लियर है, के मैट्रिक्स काफी इजी है ना, अगर एक दो प्रॉब्लम करोगे तो क्लियर हो जाएंगे ना, फोर ई आई बाय एल बस ये याद रखना है कौन कौन से पे इफेक्ट हो रहा है, दोनों पे इफेक्ट हो रहा है, दोनों का सब कर दिया, सेकंड नोड पे कितना होगा तो हाफ चला जाता है टू ई आई बाय एल, ठीक है, यहाँ के वन टू जब सेकंड को रोटेट करते हैं तो सेकंड पे क्या होगा टू टू दैट इज फोर ई आई बाय एल, और
सेकंड को जब रोटेट करें तो फर्स्ट पे क्या इफेक्ट होगा, तो फर्स्ट पे उसका हाफ चला जाएगा 2a/3, ठीक है। तो ये चीजें हैं के मैट्रिक्स। अब देखो आपने के मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिए एंड पीएल मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है। पी मैट्रिक्स क्या होगी, कोई एडिशनल फोर्सेस एग्जैक्टली नोड पे नहीं है, फोर्सेस कहाँ थे, बीम पर थे, बीम से आपने नोड पे ट्रांसफर कर लिया लोड, बट डायरेक्टली अगर नोड पर है तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। नोड पर अगर कोई फोर्स है तो वो यहाँ आएगा, या फिर कोई सिंकिंग वगैरह हो रहा है किसी नोड का, उसकी वजह से जो फोर्स डेवलप होंगी वो यहाँ शो करना। तो अभी इस क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है तो पी इज टू जीरो रहेगा, जनरली नहीं होता है ना, बट अगर सिंकिंग इफेक्ट है या कोई इफेक्ट हो रहा है तो वो आपको कंसिडर करें। तो पी इज जीरो, पी एल आपने कैलकुलेट किया था वो यहाँ पुट कर दिया, के मैट्रिक्स आपने यहाँ पुट कर दिया एंड इनवर्स ले लिया, ठीक है। तो के मैट्रिक्स आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, ये पॉइंट्स दिस ई आई दिस ई आई, तो ई आई की जगह क्या हो जाएगा, इन्वर्स करूंगा तो 1/ei हो जाएगा, और इन क्वान्टिटीज का इन्वर्स, ठीक है। डायरेक्टली आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर आ रहा है, क्या ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, या फिर डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं इन्वर्स क्या होगा इसका, इसके डिटर्मिनेट से डिवाइड कर दो और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, कुछ इस टाइप से रहता है ना। तो डायरेक्टली भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो आप चेक कर लो कि क्या ये आंसर आ रहे हैं यार, चाहे आप थीटा बी एंड थीटा सी, क्योंकि डेल्टा मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, डेल्टा क्या कहता, थीटा बी एंड थीटा सी, ये अननोन। जैसे ही थीटा बी और थीटा सी निकल गए उसके बाद कुछ नहीं करना, हमें अपनी स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यूज करना है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड क्या कहता है कि एम ए बी फाइनल एंड मूवमेंट इसके इक्वल होगा फिक्स एंड मूवमेंट ऑफ ए बी प्लस 2EI/L 2θA+θ। थीटा ए मुझे पता है, थीटा बी मैं फाइंड आउट कर चुका, थीटा बी की वैल्यूज पुट करूंगा तो यहाँ से एम ए बी मिल जाएगा। एम बी ए क्या होगा, फिक्स एंड मूवमेंट ऑफ बी ए प्लस 2EI/L 2θB+θA। थीटा ए जीरो है, थीटा बी की वैल्यूज ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके, तो बस ये वैल्यूज पुट करनी है और सारे एंड मूवमेंट्स फाइंड आउट। जैसे आपने थीटा बी थीटा सी कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे इस इक्वेशन से, ठीक है, तो थीटा बी थीटा सी के बाद इनकी वैल्यूज पुट करते जाओ और फाइनल एंड मूवमेंट्स फाइंड आउट। जैसे एंड मूवमेंट्स मिल जाएंगे तो डायग्राम आप ड्रॉ करो, देख लो यहाँ से। मेन जो वर्क है वो है हमारे पास ये इक्वेशंस में जो अननोन्स हैं, यानी के मैट्रिक्स फाइंड आउट करना, पीएल मैट्रिक्स, उसके बाद तो मैथमेटिक्स से थीटा बी थीटा से निकलेंगे, उनकी वैल्यूज पुट करनी है, आपको फाइनल एंड मूवमेंट्स मिल जाएंगे। तो जो मेन वर्क है दैट इज टू फाइंड आउट द के मैट्रिक्स, पीएल भी इजी, के मैट्रिक्स फाइंड आउट इसके लिए काफी इजी है, दो तीन ही फॉर्मूले जो आपको यूज होंगे, 4EI/L 2EI/L, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कहाँ कौन सा यूज, सेम नोड पे बात कर रहे हैं हम रोटेशन एंड फोर्सेस की तो उसमें 4EI/L, और अगर फार एंड पे जो फार एंड की बात करें तो उस पर 2EI/L है। थीटा बी थीटा से निकल गया, आप फाइनल एंड मूवमेंट कैलकुलेट कर लो, ठीक है, ये नोट करके या वैल्यूज पुट कर करके आप फाइनल एंड मूवमेंट कैलकुलेट करो, खुद से करो बच्चों, एक बार एक क्वेश्चन कर लोगे ना तो फिर तो यानी आप ये सोच लो कि सब हो जाएगा, जब तक खुद से इक्वेशन नहीं करोगे तब तक दिक्कत नहीं। ये थ्योरेटिकल नहीं चल रहा, न्यूमेरिकल चल रहा है, एक इक्वेशन करके देख लो, इसी को कंप्लीट करके देख लो, तुम्हें क्लियर हो जाएंगे काफी हद तक। किसी को कोई डाउट है तो जस्ट आस्क मी, है ना, जो भी डाउट आप लोगों को है। मैं शुरुआत से खोल दीजिए पीपीटी। ओके, शुरुआत से मैं स्टैंड में एक बार रिपीट कर देता हूँ ना, तो एक बार आप लोग सब समझ लो, कहीं भी डाउट लगे तो पूछो ना। फर्स्ट वर्क क्या है हमारे पास, जब भी हमें स्टिफनेस मेथड से आपको सोल्व करना है, ठीक है, स्टिफनेस मेथड से सोल्व करना है तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे दैट व्हाट इज द काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी ऑफ दैट स्ट्रक्चर, ठीक है। लेट्स अज्यूम यहाँ पे अगर मैं काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी की बात करूँ तो ये फिक्स सपोर्ट है, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी ऑफ फिक्स सपोर्ट इज जीरो, ना हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है, वर्टिकल कर सकता है, ना स्लोप आ सकता है। यहाँ की बात करूँ ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूव नहीं कर सकता, ठीक है, बट यहाँ स्लोप पॉसिबल,
ठीक है, स्लोप पॉसिबल है दैट इज थीटा भी, यानी एक इंडिटरमिनेंट सी होगी, एक सी पर आगे थीटा सी। अभी अगर यहाँ पर बच्चों रोलर सपोर्ट भी होना तो उसके लिए भी हम हॉरिजॉन्टल कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हॉरिजॉन्टल जितना भी डिफॉर्मेशन है, एक्सियल डिफॉर्मेशन को हम जीरो लेके चलते हैं, बीम में कोई एक्सियल फोर्सेस नहीं होंगे तो एक्सियल डिफॉर्मेशन जो होंगे उन्हें जीरो लेके चलेंगे। तो अगर रोलर है, हम ये मत सोचना आप लोग कि सर रोलर है यहाँ पर तो दो इसकी काइनेमेटिक इंडिपेंडेंसी होगी या दो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ओनली डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइनल होगा, तो ये मत सोचना। जब भी बीम के केस में तो हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशन आप जीरो लेके चला जाओ, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि यार ये इस बीम की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। सो इसलिए हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशन हम नेगलेक्ट करके चलो। तो थीटा बी एंड थीटा सी दो हमारे पास काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी होगी, दो इंडिटरमिनेंसी यानी दो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे स्ट्रक्चर के लिए, कौन कौन से होंगे, एक ये रोटेशन, एक ये रोटेशन, दो कोऑर्डिनेट्स हमने लोकेट कर दिए, नंबरिंग कर दी, दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट बी पर कर दिया, सी पर सेकंड कर दिया, आप कहीं भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये याद रखना फर्स्ट मतलब ये है बी है तो डेल्टा वन एल बी, बी पर हम फोर्सेस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमने लोकेट कर दिए फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ अब आपको क्या करना है, आपको वही इक्वेशन सोल्व करनी है, डेल्टा इज इक्वल टू के इनवर्स पी माइनस पी एल, ठीक है। पी एल क्या था हमारे पास, पी एल लोड की वजह से जो फोर्सेज आ रहे हैं, तो लोड की वजह से कौन कौन से फोर्सेज आ रहे हैं, देखो यूडीएल है, UDL की वजह से ये फिक्स बीम है, तो क्या होगा UDL की वजह से यहाँ पर फिक्स एंड मूवमेंट जनरेट होगा और यहाँ पर फिक्स एंड मूवमेंट जनरेट होगा, कितना होगा WL स्क्वायर बाय 12, ठीक है, WL स्क्वायर बाय 12 यहाँ पर जनरेट होगा और इसकी वजह से आ जाएगा WL बाय 8। सो आप ये P1L फाइंड आउट कर लोगे, यानी B पर टोटल मूवमेंट, टोटल मूवमेंट क्या होगा दिस प्लस दिस, ठीक है, ये फाइंड आउट कर लोगे, सो दैट इज 42.5। P2L क्या होगा, इस पॉइंट लोड की वजह से यहाँ पर जो मूवमेंट जनरेट हो रहा है फिक्स एंड मूव, दैट इज WL बाय 8। साइन क्या होगा, क्लॉकवाइज है, सो पॉजिटिव लेके चलेंगे, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा PL, P1L, P2L 42.5 एंड 37.5 किलोन्यूटन मीटर। तो ये तो हो गया मेरे पास फर्स्ट PL मैट्रिक्स। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, आप ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे पी मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लो, तो पी मैट्रिक्स क्या होगी, P1 P2 कितना होगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर कोई ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे कोई भी अगर आपका मूवमेंट लग रहा है तो आपको उससे कंसीडर करना है, नहीं लग रहा तो जीरो लेके चले, यहाँ पर देख लो यहाँ पर भी कोई मूवमेंट नहीं ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे तो वो भी जीरो लेके चले। तो पी मैट्रिक्स होगी, पी एल मैट्रिक्स होगी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्टिफनेस मैट्रिक्स, एंड स्टिफनेस मैट्रिक्स का क्या है कि यार यहाँ पर मैं यूनिट रोटेशन दे के मूवमेंट फाइंड आउट कर लूँ यहाँ पर और यहाँ पर कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, फिर यहाँ पर यूनिट रोटेशन देकर दोनों पॉइंट्स पे फिर फाइंड आउट कर लो कितने फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो दोनों जो भी कोऑर्डिनेट्स मैंने लिए हैं उन दोनों कोऑर्डिनेट्स पर यूनिट रोटेशन देके मैं फोर्सेस फाइंड आउट कर, ठीक। तो यूनिट रोटेशन देके आप फोर्सेस फाइंड आउट कर लो, फर्स्ट मैंने बी पर यूनिट रोटेशन दिया, तो बी पर जब यूनिट रोटेशन दूंगा तो उसकी वजह से क्या होगा, बी जॉइंट को जब यूनिट रोटेट करूंगा तो बी सी बीम भी रोटेट होगी और बी ए बीम भी रोटेट होगी। तो बी सी बीम को रोटेट करने के लिए क्या कितना मूवमेंट रिक्वायर्ड है, दैट इज 4EI/L, ठीक है। और सिमिलर वे में बी ए को के लिए भी 4EI/L, यहाँ एल 3 है यहाँ एल 4 है, तो दोनों चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी, तो दैट इज 2.33 EI। के 21 मतलब क्या है कि यार 1 पर यूनिट रोटेशन दे रहा हूँ और 2 पर जो स्लोप आ रहा है ये स्लोप इसमें शो कर रहा है यहाँ जीरो होना चाहिए ना, तो इस स्लोप को जीरो करने के लिए कितना मोमेंट चाहिए, तो दैट इज 2EI/L 0.67 EI। सेकेंड में क्या करना है, सेकेंड को यूनिट रोटेट कर लूँ और दोनों पर फोर्स फाइंड आउट करूँ, तो सेकंड के यूनिट रोटेशन के लिए 4EI/L कितना मूवमेंट देना होगा, बट ये 4EI/L के 22 है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सिमिलर वे में K12 यानी 2 पर यूनिट रोटेशन देके 1 पर फोर्स फाइंड आउट करूँ तो वो कितना होगा, तो 2 पर यूनिट रोटेशन देके 1 पर जब फोर्स फाइंड आउट करूँगा दैट इज 2EI/L 2EI/3.67 EI। जब आपने के मैट्रिक्स, पी मैट्रिक्स, पी एल मैट्रिक्स फाइंड आउट कर ली तो तीनों को वैल्यूज यहाँ पुट कर दो तो मुझे डेल्टा मैट्रिक्स मिल जाएगी। डेल्टा मैट्रिक्स क्या है, दो कोऑर्डिनेट्स है, दोनों पे रोटेशन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो दोनों का रोटेशन मिल जाएगा थीटा बी थीटा सी, जो हमारी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी है। थीटा बी थीटा सी यहाँ से मिल गया -11.88 आवर EI -22.19 आवर EI। तो थीटा बी थीटा सी हमें मिल गया तो हम फिक्स एंड मूवमेंट के इक्वेशन में थीटा बी थीटा सी की वैल्यूज पुट कर देंगे, वो फाइनल एंड मूवमेंट हर पॉइंट पे फाइंड आउट कर, ठीक है। एम ए बी फाइंड आउट कर लिया, एम बी ए बी सी
तो बी ए और बी सी तो सेम होना चाहिए, ठीक है, 68.12 और 68.6 इन्हें सेम ही लेके चलना, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ना, तो 68.6 ले लिया इसने। यहाँ हमारे पास बी ए आ रहा था, सॉरी ए बी आ रहा था हमारे पास 85, ठीक है, तो 85, 68 और ये हमारा सिंपली सपोर्ट था, तो दैट इज जीरो। तो ये हमारे पास एंड मूवमेंट डायग्राम आ गया और ये हमारे पास टैगिंग मूवमेंट डायग्राम है। UDL है तो WL स्क्वायर बाय 8 मैक्सिमम हो जाएगा, है ना, और ये हमारा सेगिंग मूवमेंट डायग्राम है। पॉइंट लोड है तो WL बाय 4 मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, तो ट्राइंगल हो जाएगा। दिस इज अवर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, देख लो। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लो, है ना, और नहीं है देन वेल एंड गुड। देख लो एक बार, जिसको जहां डाउट लगे जस्ट आस्क मी। नहीं है, नहीं इजी, उतना नहीं ये काफी इजी है, और अगर दोनों में ऑप्शन आता है तो आप यही करना स्टिफनेस मेथड, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मेथड काफी लेंदी है, स्टिफनेस मेथड काफी इजी, क्या दो चार ही फॉर्मूले हैं डायरेक्टली आप उन्हें यूज कर सकते हैं। इसमें वो नहीं है कि हमें पूरा कंजुगेट बीम में कन्वर्ट करना है, डेल्टा फाइंड आउट करना है, तो अनटिल एंड अनलेस हमारे पास अगर फिक्स्ड है कि यार फ्लेक्सिबिलिटी मेथड करना ही है, अगर चॉइस है दोनों में से तो फिर आप स्टिफनेस मेथड चूज करना, ठीक है, टाइम से होता है, तो देख लो। ओके, जिसको डाउट है वो रुक जाना, बाकी सब नाउ यू कैन लीव द ग्रुप, ठीक है, जिसे डाउट है वो पूछ कर मुझसे, तो बाकी आप जा सकते। सर ये यूनिट टू का